वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे स्टीम्ड रोहू फिश। हम इसको अच्छे से धो लिए हैं, अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार आप लोग नमक डालना। हल्दी डालेंगे, मैंने इसमें 2 लहसुन लिया है और 4 मिर्ची लिया है, आप जितना तीखा खाते हो उसी हिसाब से डालना। फिर टमाटर डालेंगे, इसमें सरसों, थोड़ा सा पोस्तक, थोड़ा सा जीरा और 3 लाल मिर्च मैंने डाला है। अब इस पेस्ट को मैंने यहाँ पे डालूंगी। अब एक नींबू का रस डालेंगे, मैंने इसमें लिया है क्योंकि इसका बीज अंदर ना जाए, ये थोड़ा खट्टापन लाएगा तो मछली अच्छी बनेगी। अब सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाना, फिर इसको हम 30 मिनट के लिए ढक के रख लेंगे। उसके बाद हम अगले प्रोसेस में जाएंगे। अब 30 मिनट हो गया है, हम इसको निकालेंगे और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। फिर हम स्टीम करेंगे, तो इसके लिए हमने लिया है कद्दू के पत्ते। हम इसको थोड़ा धो लेंगे, हम इसमें थोड़ा तेल डालेंगे। पत्ते के ऊपर हमने मछली को रख लेंगे। मछली को हमें अच्छे से रखना है जैसे कि इसमें जो मसाला है वो बाहर ना आ जाए। फिर हमें इसको चारों तरफ से कवर कर लेना है। हमने इसको कवर कर लिया है, अब हमें इसको स्टीम करना है। हमने कर दिया गैस को ऑन, इसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में पानी ले लिया है, इसके ऊपर छन्नी को रखेंगे। वैसे भी आप इसको स्टीमर में कर सकते हो लेकिन मुझे इसमें अच्छा लगता है। फिर इसके ऊपर छन्नी के ऊपर रख लेंगे, फिर हमें इसको अच्छे से कवर कर लेना है। हम गैस को सिम कर देंगे, सिम में हम 20 मिनट तक इसको रखेंगे। बीच में इसको थोड़ा निकाल के देखेंगे ये पक गया है कि नहीं। अरे वाह, अच्छा सा खुशबू आ रहा है।
अभी ये थोड़ा और पकेगा, थोड़ा और टाइम, फिर उसके बाद हो जाएगा। अब 40 मिनट हो गया है, हम गैस को बंद कर देंगे, फिर इसको निकालेंगे। से इसको काट डालेंगे ये धागे को। इसको धीरे धीरे खोलेंगे। खुशबू कितना अच्छा आ रहा है। इस बाउल में इसको निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा इसको गार्निशिंग कर देंगे, देखने में अच्छा लगेगा, खाने में भी स्वाद आएगा। तैयार हो गया हमारा स्टीम्ड रोहू फिश, खाइए और बताइए। अब ये तैयार हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।